गुरुजी कॉम्पिटेटिव जम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है उस पर मैं चर्चा करूंगा, पूरा टाइम टेबल आपको बताऊंगा और ये टाइम टेबल आप नोट डाउन कर लें, लिख कर रख लें। सबसे पहले बात करूंगा कक्षा 10वीं की बात। यहां पर जो टाइम टेबल दिया गया है 2022 का, इसमें टाइम रहेगा, समय रहेगा परीक्षा का सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय रहेगा। यहां पर पहला पेपर शुक्रवार 18 फरवरी को लिया जाएगा हिंदी का, दूसरा मंगलवार 22 फरवरी को गणित का पेपर लिया जाएगा, गुरुवार 24 फरवरी को उर्दू का पेपर होगा, शनिवार 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और बुधवार 2 मार्च को विज्ञान का पेपर लिया जाएगा, शनिवार 5 मार्च को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा, मंगलवार 8 मार्च संस्कृत का पेपर लिया जाएगा, बुधवार 9 मार्च को मराठी का पेपर होगा, गुजराती का पेपर होगा, पंजाबी सिंधी का पेपर होगा। इसी प्रकार जो पेंटिंग का पेपर और संगीत का पेपर है ये दोनों भी लिए जाएंगे। जो मूक बधिर छात्र होते हैं उनके लिए पेंटिंग का पेपर होगा और दृष्टिहीन छात्र होते हैं उनके लिए संगीत का पेपर लिया जाएगा। गुरुवार 10 मार्च को अंतिम दिन का पेपर होगा जिसमें नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो समस्त विषय होते हैं उनका पेपर लिया जाएगा। इस प्रकार आपके 10 मार्च तक पेपर सभी यहां पर समाप्त हो जाएंगे। यहां पर इंट्रैक्शन दिया गया है कि सभी विद्यार्थी जो है उन्हें प्रातः 8:30 बजे तक उपस्थित होना होगा। यदि वो यहां पर लेट लतीफ करते हैं तो परीक्षा में प्रवेश उन्हें नहीं दिया जाएगा। कोविड जो संक्रमण काल है इसके लिए आपको पूरी सावधानी रखनी होगी और जैसे पानी वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो करके जाना है घर से। प्रायोगिक परीक्षा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वो 12 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लिए जाएंगे और प्राइवेट जो छात्र होते हैं उनके लिए 18 फरवरी से 20 मार्च तक ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी संस्था पर, अर्थात जहां आपके पेपर होंगे। नियमित विद्यार्थी के लिए स्कूल में परीक्षाएं होती है ये प्रायोगिक, और स्वाध्यायी के लिए जिस स्थान पर आपका परीक्षा केंद्र होता है वहाँ पर परीक्षाएँ आयोजित की जाती है। सभी विद्यार्थी को प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होना होगा। 9:45 बजे के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका की बात करें हम यहाँ पर तो 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका आपको यहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी और 5 मिनट पहले यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे। यानी परीक्षा में आपको 15 मिनट पहले से प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। 80 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा लेकिन स्वाध्यायी के लिए उन्हें 100 में से अधिभार देकर उन्हें इक्वल किया जाएगा। इसी प्रकार 12वीं की बात करूँगा मैं, यानी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा की। यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है और यह परीक्षा जो है वह है गुरुवार 17 फरवरी से प्रारंभ होगी। पहला पेपर होगा अंग्रेजी का, दूसरा पेपर शनिवार 19 फरवरी को हिंदी का पेपर लिया जाएगा, जो वोकेशनल छात्र है उनका भी पेपर होगा यानी सभी का होगा। सोमवार 21 फरवरी को फिजिक्स, अर्थशास्त्र जो कला और विज्ञान, कला और कॉमर्स दोनों में वाणिज्य में एक जैसा होता है अर्थशास्त्र वो होगा, एनिमल हस्बेंड्री मिल्क ट्रेड पोल्ट्री फार्म एंड फिशरीज का पेपर लिया जाएगा, विज्ञान के तत्व का पेपर होगा, भारतीय कला एवं इतिहास का पेपर होगा और वोकेशनल फर्स्ट पेपर जो होता है वो लिया जाएगा। इसी प्रकार बुधवार 23 फरवरी के दिन बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय संगीत का पेपर लिया जाएगा, गुरुवार 24 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर होगा, शुक्रवार 25 फरवरी को राजनीति शास्त्र और वोकेशनल का सेकंड पेपर लिया जाएगा, सोमवार 28 फरवरी के दिन केमिस्ट्री
इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट्री ऑफ साइंस एंड मैथमेटिकल यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर का पेपर होगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर लिया जाएगा, गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान का पेपर लिया जाएगा और तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स जो होता है वोकेशनल का तीसरा पेपर होगा। गुरुवार 3 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर होगा और शुक्रवार 4 मार्च को समाजशास्त्र का पेपर होगा, मनोविज्ञान का पेपर होगा, कृषि मानविकी का पेपर लिया जाएगा, होम साइंस ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर होगा और इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप जो आधार पाठ्यक्रम पर आधारित है इसका पेपर लिया जाएगा। सोमवार 17 मार्च को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का पेपर लिया जाएगा, बुधवार 9 मार्च को भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य का पेपर लिया जाएगा। गुरुवार 10 मार्च को उर्दू और मराठी का पेपर होगा, शुक्रवार 11 मार्च को स्किल नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषय का पेपर होगा और शरीर शिक्षा का पेपर लिया जाएगा। शनिवार 12 मार्च को संस्कृत का पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। इस प्रकार से टाइम टेबल है ये और यहाँ पर वही पूरे नियम होंगे कि 15 मिनट 8:30 बजे आपको पहुँच जाना है, 15 मिनट की यदि शेष रहते हैं तो आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा की डेट भी वही बताई गई है और यहाँ पे ये भी समझाया गया है कि उत्तर पुस्तिका जो है वो 10 मिनट पहले दे दी जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे, पानी की बोतल साथ में ले जाना है, 80 अंकों के सभी प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। तो ये थे पूरा टाइम टेबल जो हमने आपको बताया। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ये टाइम टेबल पहुँचाएँ, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।